नमस्कार दोस्तों, एग्रीटेक गुरुजी के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं कृषि मेला चित्तौड़गढ़ कृषि विज्ञान केंद्र में आया हूं, जहां बसंती लाल जी के स्टॉल का विजिट किया, जहां इन्होंने सारे तरह के जुगाड़ बना रखे। तो इसी जुगाड़ की श्रेणी में अब हम बात करने वाले हैं सीड ड्रिल के बारे में, जो कि बाइक जुगाड़ पर बना हुआ सीड ड्रिल है, जो छोटे किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि हर किसान ट्रैक्टर और सीड ड्रिल नहीं खरीद पाता है। उन किसानों के लिए ये बाइक पर बना हुआ जुगाड़ कैसा है और किस तरह काम करता है, इस बारे में इनसे बात करते हैं। नमस्कार बसंती लाल जी। नमस्कार, बताइए ये सीड ड्रिल कैसे काम करेगी और क्या क्या इसके साथ हम बुआई कर पाएंगे? हाँ, इसमें जो बाइक में हमने सीड ड्रिल लगाई है, इस सीड ड्रिल से गेहूँ से लगा के लूसन तक की बुआई, लहसुन की तक की बुआई इसमें आसानी से कर सकते हैं। मतलब सोयाबीन वगैरह सारी चीज़ों की जो आम किसान की जरूरत है वो पूरी हो जाएगी इससे। इसमें गियर अलग अलग लगे रहते हैं, वो अलग अलग सिर्फ आपको गियर ही चेंज करने हैं, ताकि गियर चेंज करते ही आपको गेहूं के गियर अलग मिलेंगे, सोयाबीन के अलग और सरसों के अलग और लूसन के अलग मिलेंगे। जैसा कि आपने कल्टीवेटर के दूसरे जुगाड़ भी बना रखे हैं बाइक पे, उन जुगाड़ों के साथ ये सीड ड्रिल भी सेट हो जाएगी और वापस हट जाएगी क्या, फोल्डिंग सिस्टम के पैटर्न पे? हाँ, ये फोल्डिंग सिस्टम पे के पैटर्न पे है और बाइक आसानी से फोल्डिंग हो जाएगी। किसान भाइयों को ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, इसमें गाड़ी फोल्डिंग ही रहेगी। किसानों की गाड़ियाँ इसमें ख़राब नहीं होगी, किसान जब तक चाहे जब तक ही इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि किसान भाई आप देख सकते हैं, इन्होंने ये जो टाइल्स लगाई है ये एडजस्टेबल टाइल्स है। अगर आपको कतार से कतार की दूरी कम या ज़्यादा करनी तो इसके साथ आप एडजस्ट कर पाएंगे। और सीड का मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ एक बटन दिया गया है, जिसकी सहायता से आप बड़ी आसानी से सीड का मैनेजमेंट कर पाएंगे। इन गियर के बारे में बताएंगे, किस तरह गियर चेंज किया जाते हैं और अलग अलग सीड के लिए कौन कौन से गियर लगेंगे? गेहूं के ये अभी लग रहे हैं लहसुन के लिए गियर है, और गेहूं के लिए पतले वाले गियर आएंगे। और जो गियर इसमें चेंज करने मात्र यहाँ से दो नट बोल्ट खोला और गियर चेंज हो जाएंगे, और इससे किसान भाई एक ही मशीन से गेहूँ से लगा के लहसुन तक की बुआई कर सकेंगे। तो ये किसी भी तरह के खेत में खींचने के लिए, आपने जैसे पल्सर बाइक लगा रखी है तो ये पल्सर बाइक ही काम करेगी या कोई दूसरी बाइक भी काम कर पाएगी? 100 cc की कोई भी बाइक जो किसान भाई के पास उपलब्ध है, वो 100 cc की अगर बाइक रहेगी तो उस पर आसानी से वो काम हो जाएगा किसान भाइयों का। क्योंकि आपने डिफरेंशियल सिस्टम दे रखा है, डिस्क ब्रेक दे रखे हैं ड्रम वाले, तो उस हिसाब से ये काफ़ी परफेक्ट चलने में किसानों को मदद करेगी। ये सबसे लेटेस्ट ये और हाई वाला मॉडल है, इसमें पावर ब्रेक है और रिवर्स गियर है, और इसमें पूरी टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है, ताकि इसमें किसान भाइयों को कोई किसी प्रकार का कष्ट ना हो। जैसे कि ट्रैक्टरों में आजकल लिफ्ट की जो सेंसी लिफ्ट वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही है, और सबसे बड़ी बात है कि सीड ड्रिल की इस्तेमाल करते वक्त हमें लेवल सेट करना बहुत जरूरी रहता है। 3 इंची की गहराई पे डालने, 2 इंची की गहराई पे डालने, तो उसके लिए आप इस लिफ्ट को कैसे सेट करेंगे? लिफ्ट में एक ऑटोमेटिक सिस्टम दे रखा है, जहाँ किसान भाई चाहते हैं जितना गहराई तक देना है उसमें गहराई आसानी से लग जाएगी, उससे ज़्यादा गहराई नहीं जाएगी, और जितना ऊपर लेना है उतना आसानी से इसमें ऊपर ले सकते हैं। इसमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम रख रखा है हमने। तो बसंती लाल जी आप बताएंगे, जैसे ये पाइप लगे हुए हैं काफ़ी हैवी वाले, बड़े पाइप लगा रखे हैं, ये बड़े पाइप क्यों लगाए, जबकि नॉर्मल सीड ड्रिल में ये पाइप काफ़ी छोटे भी होते हैं? इसमें हमने बड़े इसलिए लगाए हैं ताकि इसमें जो गिल्ली मिट्टी होती है इसमें नालियों में अंदर ना जाए, और ज़्यादा अगर चौड़ा अगर पाइप होगा तो उसमें गिल्ली मिट्टी फंसने का चांस बहुत कम रहेगा, तो इससे किसान भाइयों को बुआई करते समय कठिनाई का सामना कम करना पड़ेगा। जैसे सीड ड्रिल में आपने जो कल्टीवेटर के ऊपर जो मटेरियल यूज़ करा है, ये किस क्वालिटी का मटेरियल है, कहाँ तक ये मजबूत है? ये बहुत हार्डनेस मटेरियल है, हमने स्पेशल ढलाई करके बनाया है, और इसमें किसान भाई ध्यान दे, अपना पैसा व्यर्थ न बहाए और स्पेशल चीज़ ही खरीदे। कृष्णा कृषि यंत्र बड़ी सालडी राजस्थान में फेमस है, आप गूगल मैप पे भी आप कृष्णा कृषि यंत्र सर्च करके आप मैप द्वारा एड्रेस ले सकते हैं। और ये जो क्वालिटी है, हार्डनेस क्वालिटी है, ये टेम्पर किया हुआ टाइल है, कम वजन का और बिल्कुल कम घिसता है, जो खेतों में चलते समय घिसाई भी कम होती है इसकी, ताकि ये लॉन्ग लाइफ चले। तो दोस्तों ये बाइक पर बनी हुई सीड ड्रिल आपको कैसी लगी? अगर आप इस सीड ड्रिल को खरीदना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर, स्क्रीन पे जो नंबर देख रहे हैं आप, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कमेंट के पिन में मिल जाएंगे आपको नंबर, आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इन्होंने कॉल सेंटर खोला हुआ है, जहाँ ये पूरे इंडिया से आए हुए फ़ोन को मैनेज करते हैं, लेकिन आप अगर कॉल करना चाहते हैं तो कॉलिंग का समय सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक का ही रखें, ताकि इनको भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो और आप अपने कॉलिंग टाइम पे ही संतुष्ट हो जाएं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।
बाइक जुगाड़ के बारे में आपका क्या सोचना है, इस बारे में अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ तक आपने अगर वीडियो देख लिया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी राय कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों का शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है उनको इस बाइक जुगाड़ की जरूरत हो और वो खरीदने की सोच रहे हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ बहुत जल्द एक अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय किसान।